हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग जो क्लास वन है आपकी हिस्ट्री की क्लास है, ठीक है, इतिहास है। तो टोटल अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पे, तो 29 क्वेश्चंस लिया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो पॉइंट ऑफ एग्जाम से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन ऑफ फोर्थ यहाँ पे फर्स्ट है आपका कि सुभाष चंद्र बोस का राजनैतिक यहाँ पे गुरु कौन था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का राजनैतिक गुरु कौन था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा चितरंजन दास। ठीक है, यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा, चितरंजन दास बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। आईन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट होगा। ठीक है, बी इज द पांच भागों में आपका विभक्त किया गया है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास किसके शासन काल में थे। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि कालिदास किसके शासन काल में थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कौन है। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कौन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर होगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था। मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर, बयाना। बयाना ए इज द राइट आंसर होगा, बयाना। ठीक है, बयाना इज द राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी इज द करेक्ट आंसर होगा, बयाना। क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछता है, ऑप्शन दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान घाट किसका समाधि स्थल है। किसान घाट किसका समाधि स्थल है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे चौधरी चरण सिंह का। ठीक है, चौधरी चरण सिंह बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, चौधरी चरण सिंह बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठाकुर रोशन सिंह को कौन सी जेल में फांसी दी गई। ठाकुर रोशन सिंह को कौन सी जेल में फांसी दी गई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मालका नैनी जेल में। ठीक है, मालका नैनी जेल में उनको फांसी दी गई थी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, बी इज द करेक्ट आंसर, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ए इज द करेक्ट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ए। ठीक है, 1773 में पारित किया गया, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरन तारण नामक नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी। तरन तारण नामक नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर होगा, गुरु अर्जुन देव ने किया था, गुरु अर्जुन देव सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहिब में किस सूफी संत की रचना संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब में किस सूफी संत की रचनाएं संकलित है। तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, शेख फरीद की, शेख फरीद सी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया। तो राइट आंसर होगा इसका सी, फरुद्दीन गंज ए सकर, फरुद्दीन गंज ए सकर को शामिल किया गया। तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी इज द करेक्ट, चंपारण सत्याग्रह ना, राइट आंसर होगा इसका गुजरात, बी इज द करेक्ट आंसर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियाइड रेखागणित का संस्कृत में अनुवाद किसने किया। न्यूक्लियाइड रेखागणित का संस्कृत में अनुवाद किसने किया। तो आंसर होगा यहाँ पे सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह बी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित का नाम महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित का क्या नाम था। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा, चंद्रमौली मिश्र, चंद्रमौली मिश्र बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? राइट आंसर होगा यहाँ पे, उनका मृत्यु जो हुई थी बिहार में हुआ था। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 दल ग्रुप ऑफ द 40 का गठन किसने किया था? 40 दल ग्रुप ऑफ 40 का गठन किसने किया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर होगा, इल्तुमिस ने किया था। बी इज द राइट आंसर, इल्तुमिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी के पिता का नाम क्या था? शेरशाह सूरी के पिता का नाम क्या था? द राइट आंसर हसन खान सूरी। हसन खान सूरी बी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फरीदा खान, फरीद खान नाम था। बी इज द राइट आंसर, फरीद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध राज्य का अंतिम नवाब कौन था? अवध राज्य का अंतिम नवाब कौन था? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, यहाँ पे पूछा गया है कि राज्य कौन था, तो सी इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, चीन किलची खान ने, चीन किलची खान ने किया था। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का पतन कब हुआ? मुगल साम्राज्य का पतन कब हुआ? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे, वर्ष 1862 ईस्वी में हुआ था। 1862 डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वितीय किसके पुत्र थे? अकबर द्वितीय किसके पुत्र थे? राइट आंसर होगा यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर। इस अकबर द्वितीय किसके पुत्र थे ना पूछा गया, यहाँ पे राइट आंसर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर होगा, शाहजहां, जहांदार शाह। ठीक है, जहांदार शाह होगा, ए इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे आपका, आलमगीर द्वितीय के पिता का क्या नाम था? आलमगीर द्वितीय के पिता का क्या नाम था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर होगा, जहांदार शाह नाम था। जहांदार शाह नाम था, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन दिख गया है, शाह आलम द्वितीय का मूल नाम क्या था? अली गौर, अली गौर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो राइट आंसर होगा, 7 बार उन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था। हाँ, बी इज द ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा, जहांदार शाह को, जहांदार शाह को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह प्रथम के बाद किसने शासन किया? बहादुर शाह प्रथम के बाद किसने शासन किया था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे, जहांदार शाह ने किया था। जहांदार शाह डी इज द राइट आंसर। ये आपके 29 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।